मायावी जंगल में ना जाने कितने रहस्य छुपे हुए थे। रहस्य चाहे जो भी हो, परिणाम एक ही था, मृत्यु। राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में वर्षा बन के समान इतना घना जंगल प्राकृतिक रूप से होना लगभग नामुमकिन था, लेकिन वीरानगढ़ में यह जंगल था और यही हकीकत भी थी। हिंदुस्तान के नक्शे में वीरानगढ़ ही नहीं, इस जंगल का भी कहीं नामो निशान नहीं था। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा अनंग पिशाच की पीठ पर इस मायावी जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां आज तक कोई गया नहीं था, और जिसने जाने की कोशिश की थी जिंदा वापस नहीं आया था। उस मायावी जंगल के इस हिस्से के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित थी। उन किंवदंतियों में से कुछ मनगढ़ंत भी थी, लेकिन अधिकतर बातें सत्य थी। माया के जंगल के उस हिस्से में पहुंचकर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा अनंग पिशाच के पीठ पर बैठकर विशाल पेड़ों के बीच से होकर गुजर रहे थे। उन विशाल वृक्षों के सामने वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी सामान्य वृक्ष के सामने मक्खी उड़ रही हो। अचानक एक विशाल मकड़ी ने उन पर नीचे से हमला किया और उन्हें इस तरह अपने जाल में फांस कर दबोच लिया जिस तरह कोई साधारण मकड़ी किसी मक्खी को अपने जाल में फंसा कर दबोचती है। चारों कुछ समझ पाए उससे पहले वो विशाल मकड़ी के चंगुल में फंस चुके थे। कुछ देर में जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ क्या हो रहा था, वे चारों मकड़ी के एक विशाल जाले में किसी कीड़े मकौड़े की भांति फंस गए थे। मकड़ी का जाल इतना चिकना था कि चाहकर भी उससे अपने आप को छुड़ाना नामुमकिन सा लग रहा था। सिद्धार्थ को मौत का डर नहीं था, उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा था कि ऐसी परिस्थिति में फंसकर उनका समय बर्बाद हो रहा था। उसने बूढ़े बाबा से कहा, ये तो ऐसी बात हुई जैसे आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। हमारे पास समय कम है और उस पर से एक नई मुसीबत आन पड़ी है। गौरी काफी डरी हुई थी, उसने सिद्धार्थ की बात सुनकर कहा, इतनी बड़ी मकड़ी एक पल में हमें अपना निवाला बना सकती है। जंगल के इस हिस्से में पेड़ पौधे तो विशाल थे, अब कीड़े मकौड़े भी इतने विशाल निकलेंगे, ये पता नहीं था। सोचो अगर कीड़े मकौड़े ही इतने विशाल हैं तो बाकी के जानवर कितने विशाल होंगे। बूढ़े बाबा ने यह सुनकर कहा, यहां पर कीड़े मकौड़े वो नहीं हम हैं, और सिद्धार्थ सच कह रहा है, इस मकड़ी से हम किसी तरह जिंदा बच भी जाएं फिर भी आगे क्या क्या मुसीबतें हमारी राह देख रही है हमें नहीं पता, और इन सबसे हमारा समय भी बर्बाद हो रहा है। और कुछ नहीं, इतने समय में अगर वो मनहूस विषबादल बरस गए तो सारा वीरानगढ़ कुछ ही पल में नष्ट हो जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे, और फिर हम यहाँ पर एक विशाल कीड़े मकौड़े से मरे या एसिड वाली बारिश में क्या फर्क पड़ता है। सिद्धार्थ ने कहा, बाबा आप तो कम से कम नकारात्मक बात ना करें और यहां से बाहर निकलने का कोई उपाय ढूंढते हैं। सिद्धार्थ ने यह कहा ही था कि अचानक वो जाल जोरों से हिलने लगा। उन चारों ने नीचे देखा तो बेहद घबरा गए। वहां एक नहीं बल्कि दो दो बड़ी मकड़ियां उनकी तरफ आ रही थी। तब सिद्धार्थ ने कहा, यह हमसे आकार में इतनी बड़ी है कि हमें एक ही निवाले में खा सकती है, हम सबके हाथ पैर बंधे हुए हैं, हम चाहकर भी क्या कर सकते हैं। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, जानवर छोटे हो या बड़े सब एक चीज से बहुत डरते हैं, वो है आग। तब सिद्धार्थ ने कहा, माचिस मेरे जेब में है और मेरा हाथ इतनी बुरी तरह फंसा हुआ है कि कितना भी जोर लगा ली वो निकल ही नहीं रहा है। तब तक वो दोनों मकड़ी एकदम करीब आ चुकी थी। उसमें से एक मकड़ी सिद्धार्थ के ऊपर आ पहुंची और सिद्धार्थ को खाने के लिए उसने बड़ा सा मुंह खोला। ये देखकर गौरी डर के मारे जोरों से चिल्लाई, और उसी वक्त अचानक मकड़ी के ऊपर जोरों से आग का गोला पड़ा और मकड़ी का मुंह जल गया। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा ने देखा कि अनंग पिशाच ने अपने मुंह से आग का गोला मकड़ी पर छोड़ा था। अनंग पिशाच ने तुरंत दोनों मकड़ियों पर अपने मुंह से आग के गोले बरसाना शुरू कर दिया। आग से डर कर दोनों मकड़ियां पीछे हट गई। फिर अनंग पिशाच ने अपने शरीर पर बंधे हुए जाले को आग से जलाया और खुद को मुक्त करवाया। अनंग पिशाच ने मुक्त होकर सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और गौरी को भी उस जाले से मुक्त करवाया। तब तक दोनों मकड़ियों ने फिर से उन पर हमला करने छलांग लगाई ही थी कि अनंग पिशाच ने तुरंत ही तीनों को अपने कंधे पर बिठाया और छलांग लगाकर उड़ गया। सिद्धार्थ ने कहा, हमारा काफी समय नष्ट हो चुका है, हमें किसी भी तरह उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। अनंग पिशाच ने अपनी गति बढ़ाई
चारों उस मायावी जंगल के गहराइयों में उड़ते चले गए। रास्ते में उन्हें कई विचित्र और विशाल जीव दिखे, जैसे महाविशाल का भैंसा, विशाल मांसाहारी हिरन जो किसी दूसरे जानवर का शिकार कर उसे खा रहा था, शाकाहारी शेर जो जमीन पर गिरे हुए फल खा रहा था, दो सिंह और चार सूंड वाला हाथी, विशाल खरगोश जो विशाल मगरमच्छ को खा रहा था। ये देखकर चारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। सिद्धार्थ को देखकर घिन आई। उसने कहा, यह प्रकृति की विचित्रता नहीं बल्कि किसी विकृत मनोदशा वाली व्यक्ति की माया शक्ति का दुरुपयोग है, जहां प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया गया है। जो व्यक्ति प्रकृति के नियम के साथ खिलवाड़ करता है, प्रकृति उसे नहीं बख्शती। बूढ़े बाबा ने भी सिद्धार्थ की बात पर सहमति जताते हुए कहा, सच कहा तुमने, प्रकृति कितनी भी विचित्र हो लेकिन अपने नियमों का वह स्वयं कभी उल्लंघन नहीं करती। शाकाहारी प्राणियों का मांस खाना और मांसाहारी प्राणियों का शाकाहारी हो जाना यह प्रकृति का नहीं, इन्हें जरूर किसी मायावी विद्या से कृत्रिम तरीके से बनाया है। तब गौरी ने पूछा, लेकिन ऐसा कोई क्यों और कैसे कर सकता है? बूढ़े बाबा ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, अपार शक्ति के साथ अपार उत्तरदायित्व भी आ जाता है, लेकिन कुछ व्यक्ति उस उत्तरदायित्व को भूलकर उस शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन शक्ति को धारण करने की परिपक्वता उनमें नहीं होती। यही पिशाचराज के साथ भी हुआ, मदन के साथ भी, जयपाल जी के साथ भी, और ये जिस व्यक्ति ने किया उसके साथ भी यही होगा। शक्ति तो आ गई लेकिन उसे संभालने की सुबुद्धि नहीं आई। चारों कुछ आगे बढ़े ही थे, कुछ मील दूर आसमान में जमीन से उठ रहा धुआं नजर आया। ये देखते ही अनंग पिशाच ने कहा, वो देखिए, वहां पर काले रंग का धुआं ऊपर की तरफ उठ रहा है, ये जरूर सूखी लकड़ियों की जलने का धुआं है। या तो जंगल में आग लगी है या तो कोई वहां पर लकड़ियां जला रहा है। सिद्धार्थ ने कहा, इस जंगल को देखकर लग रहा है कि यहां पर नियमित रूप से बरसात होती होगी, इसलिए वहां पर सूखी लकड़ियों का होना मुमकिन नहीं है। जरूर किसी इंसान ने ही वहां पर आग लगाई है। बूढ़े बाबा ने कहा, या फिर यूं कहूं कि कोई वहां पर हवन कर रहा है। ये सुनकर सिद्धार्थ और गौरी की आंखें चमकी। सिद्धार्थ ने कहा, शायद हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो हमें मिलने वाला है। ये कहकर सिद्धार्थ ने अनंग पिशाच से उस धुएं की तरफ जाने के लिए कहा, उस दिशा की तरफ उड़ने लगा। थोड़ा आगे जाते ही एक बहुत बड़ी नदी आई। अनंग पिशाच उस नदी के ऊपर से उड़ने लगा। उस नदी के ऊपर अचानक से सैकड़ों पक्षियां उड़ने लगे। ये पक्षियां बाकी के जानवरों की तरह ही काफी विशाल थे और इन पक्षियों ने उन चारों को अपना भोजन मान लिया और उन्हें खाने उनके पीछे लग गए। इनके ऊपर एक और नई मुसीबत आन पड़ी थी। चारों तरफ से ढेर सारे पक्षी उनके ऊपर हमला करने लगे थे। अनंग पिशाच अपनी तेज गति से उन्हें बार बार चकमा दिया जा रहा था। बूढ़े बाबा और गौरी ने सिद्धार्थ को कस के पकड़ रखा था और सिद्धार्थ ने अनंग पिशाच को पकड़ रखा था। चारों तरफ से हमला कर रहे पक्षी की चोंच बार बार उन्हें छूते छूते रह जाती थी। अगर किसी भी पक्षी की नुकीली चोंच उन्हें गलती से भी छू लेती तो उसी वक्त उनकी मौत पक्की थी। लेकिन अनंग पिशाच की तेज गति और चकमा देने के हुनर के कारण वो बाल बाल बच रहे थे। कुछ दूर किसी तरह आगे बढ़े ही थे कि अचानक दाईं तरफ से सैकड़ों पक्षियों का झुंड उनकी तरफ आते हुए उन्हें दिखा। इतने पक्षियों को चकमा देना तकरीबन नामुमकिन था, इसलिए अनंग पिशाच ने देखते ही देखते अपना और उन तीनों का कद बढ़ा दिया और एकदम विशाल काय रूप धारण कर लिया। इनकी इन विशाल रूप को देख सारे पक्षी घबरा गए और दूसरी दिशा की तरफ उड़ गए। तब अनंग पिशाच ने कहा, विशाल जंगल के विशाल जानवरों के बीच हम भी थोड़ी देर के लिए विशाल रूप धारण तो कर ही सकते हैं ना। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा हंस पड़े। तब सिद्धार्थ ने कहा, विशाल जीवों के बीच इतना छोटा होना मतलब हर पल हर क्षण जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब समझ में आया कि हमारी दुनिया में छोटे प्राणी किस तरह जीवित रहने के लिए हर पल हर क्षण संघर्ष कर रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह इस जंगल में हमारे लिए विशाल जानवर खतरनाक है, उस तरह हमारी दुनिया में भी उन छोटे प्राणियों के लिए हम इंसान खतरनाक है। आज मैं एक वचन लेता हूं कि जो प्राणी, जो कीड़े मकोड़े मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें मैं बिना वजह अपनी मौज मस्ती के लिए कभी परेशान नहीं करूंगा। सिद्धार्थ की ये बात सुनकर बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर शाबाशी दी। उन चारों ने विशाल रूप धारण कर थोड़ी देर आगे बढ़े
और नदी पार करके फिर से घने वन में प्रवेश किया। वहां प्रवेश करते सिद्धार्थ ने अनंत पिशाच से कहा, अब अपना रूप छोटा कर दो मित्र, हमें उस व्यक्ति तक इस तरह पहुंचना है कि उसे हमारे आने की भनक तक ना लगे। सिद्धार्थ की बात मानकर अनंग पिशाच ने अपना और उन तीनों का कद फिर से पहले समान छोटा कर दिया और आसमान में उड़ रहे उस धुएं की दिशा में आगे बढ़ने लगे। वहां गांव में बवंडर अभी भी पूरी शक्ति से घूम रहा था। गांव में छोटे बड़े सारे पौधे उखड़ कर इस बवंडर में खींचे चले गए थे। यदि वीरानगढ़ के पुराने घर होते तो कब के उस बवंडर में फंस जा चुके होते। लेकिन गनीमत थी उन विद्याधारी यक्षों की, जिन्होंने इतने मजबूत घर बनाए थे कि उस बवंडर का कोई असर उन घरों पर नहीं हो रहा था। गांव के सभी लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रखे थे। गांव के लोग अपने घरों के अंदर सुरक्षित थे, फिर भी उनके दिल में अजीब सा डर बैठा हुआ था। मोतीबाई का दिल बैठा जा रहा था कि गांव में किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी और बारिश होते ही एसिड से भी ज्यादा खतरनाक पानी से उनके घर भी पिघल जाएंगे। मोतीबाई मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि बारिश शुरू होने से पहले सिद्धार्थ किसी भी तरह उसका मूल ढूंढकर इस संकट का निवारण कर दे। अनंग पिशाच के पीठ पर बैठकर सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा वहां पहुंचने ही वाले थे जहां से धुआं उठ रहा था। सिद्धार्थ के मन में अभी भी बहुत बेचैनी हो रही थी कि कहीं समय न निकल जाए। उस जगह के करीब पहुंचते ही घने जंगल के बीच एक छोटे से मैदान जैसी जगह पर पहुंचे। वहां पर मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा हवन कुंड स्थापित किया गया था और उसमें से आग की लपटें ऊपर की ओर उठ रही थी। उसके सामने एक मचान जैसा बना हुआ था जिसके ऊपर एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी सफेद दाढ़ी इतनी लंबी थी कि वो मचान के नीचे तक पहुंच रही थी। उसके सर पर लंबी जटा थी जो उसके पीछे की तरफ से मचान के नीचे तक पहुंच रही थी। उसने काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। वो मंत्र उच्चारण कर हवन कुंड में आहुति डाल रहा था। उसके आजू बाजू कई छोटे छोटे हवन कुंड बने हुए थे जिसमें इंसान की आकृति वाले काले साए उस हवन कुंड में आहुति दे रहे थे। सिद्धार्थ ने अनंग पिशाच को वहीं एक पेड़ के पीछे रुकने को कहा। एक बड़े से पेड़ के पीछे चारों छुप कर देखने लगे कि वहां पर क्या हो रहा था। सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए बूढ़े बाबा के कान में कहा, यही है वो, मैं अभी जाकर उसका सर काट देता हूं। ये कहकर सिद्धार्थ उठने ही गया था कि बूढ़े बाबा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर अपने पास बिठा दिया और कहा, जल्दी का काम शैतान का होता है सिद्धार्थ, हमें इनके बारे में कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता कि ये अच्छे लोग हैं या बुरे। हम इतनी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, हमें पहले देखना होगा, ये जानने की कोशिश करनी होगी कि ये लोग हैं कौन, उसी के बाद हम कुछ करने का फैसला ले सकते हैं। गौरी भी बूढ़े बाबा के बात से सहमत थी, लेकिन सिद्धार्थ इस बात से सहमत नहीं था। उसे एक ही बात का डर था कि कहीं गांव में विष बादल बरसना शुरू ना हो जाए। लेकिन बूढ़े बाबा की बात मानकर सिद्धार्थ वहीं रुक गया और चारों वहीं पर छुप कर देखने लगे। कुछ देर तो वहां पर कुछ खास नहीं हुआ, बस मन ही मन सिर्फ ओंठ हिलाकर वो बूढ़ा व्यक्ति मंत्रोच्चारण कर रहा था और अग्नि में आहुति डाले जा रहा था। और उसके अग्नि में आहुति डालते ही वो काले साए अग्नि में आहुति डाल रहे थे। सिद्धार्थ बहुत ही बेचैन हो रहा था। वो कब से चंद्रवीस तलवार पर अपना हाथ रखे हुए इंतजार कर रहा था। कुछ देर रुकने के बाद सिद्धार्थ से अब रहा नहीं गया और तुरंत ही अपनी चंद्रवीस तलवार उठाकर उस हवन कर रहे बूढ़े व्यक्ति की तरफ दौड़ा। बूढ़े बाबा, गौरी और अनंग पिशाच उसे रोक पाए उससे पहले सिद्धार्थ उस मैदान में उतर चुका था। सिद्धार्थ थोड़ा आगे बढ़कर पहुंचा ही था कि अचानक हवन कर रहे उस बूढ़े व्यक्ति ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, आओ सिद्धार्थ भारद्वाज, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मैं विश्वनाथ, तुम्हारा और उस पेड़ के पीछे छुपे तुम्हारे साथियों का स्वागत करता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति के मुंह से ये वाक्य सुनकर सिद्धार्थ एकदम चौंक गया और दौड़ते दौड़ते रुक गया। कौन था वो हवन करता हुआ बूढ़ा व्यक्ति जो सिद्धार्थ की प्रतीक्षा कर रहा था? क्या वो वही व्यक्ति था जिसकी तलाश में सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा यहां तक आए थे? क्या इसी ने वीरानगढ़ में विष बादल भेजे थे? क्या समय रहते सिद्धार्थ वीरानगढ़ को बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़।